और महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर ने त्राही त्राही मचा दी है। देश के कुल केस का आधा महाराष्ट्र से होता है। कोरोना की तेज रफ्तार ने महाराष्ट्र में डर बढ़ा दिया है। लोगों को लॉकडाउन का खौफ सता रहा है। मुंबई और पुणे से प्रवासी मजदूर एक बार फिर से अपने शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। पहले हिंट दे दिए मोदी जी तो चले जाए पहले घर, अपना रूखा सूखा खा के अपना जिंदगी बिताएगा, बॉम्बे में क्यों आएगा कमाने के लिए। नहीं, इस बात पहले निकल ले रहे हैं, लॉकडाउन लग जाएगा तो जाने के नहीं मिलेगा सर। मैं वापस गांव जाना चाहता हूं। अगर गांव इसीलिए जाना चाहता हूं सर, कल को फिर ज्यादा लॉकडाउन हो जाए हाँ, तो क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से सर, आने के लिए मरता हूं। अभी भी पहुंचना चाहेंगे अपना घर पे जाके पहुंचेंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा ना। एक टाइम नहीं भी खाएंगे चले गए, यहाँ क्या भूखा मर जाएगा आदमी का। जब दहशत दायरा लांघ जाए तो ऐसी तस्वीरें दोबारा जिंदा हो जाती हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर ये हुजूम बता रहा है कोरोना का खौफ सीमाएं लांघने लगा है। 2020 की यादें जहन में कौंधने लगी हैं। प्रवासी पलायन की राह पर निकलने लगे हैं। आज तक की टीम गुरुवार की रात जब स्टेशन पर पहुंची तो तस्वीरें दंग करने वाली थी। यूपी बिहार लौट रहे इन प्रवासियों की लंबी बात बता रही है कि हालात आपात स्थिति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन का भय इन्हें घर वापसी को मजबूर कर रहा है। सर पर सामान और दिल में दहशत का बोझ लादे ये लोग एक बार फिर अपनी मिट्टी की तरफ लौटने लगे हैं। लॉकडाउन अभी लगने वाला है, सब काम धंधा बंद हो गया। मालिक बोला भैया चला जाओ, अगले बार फंस गए थे, अब इस बार फंस जाओगे तो गरीब आदमी हो, बर्बाद हो जाओगे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। लॉकडाउन के वजह से पिछली बार फंस गए थे ना, तो इस बार अब सिर्फ ट्रेन से जाएंगे। पहले ट्रक से गए थे तो 5-6 हजार भाड़ा दिया और 4-5 दिन में पहुंचाया। ये अब सिर्फ फंस जाएंगे तो भूखन मरेंगे, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। क्यों लौट के आ रहे हैं आप लोग? काम बंद हो गया है। काम बंद हो गया, उधर काम कारखाना बंद हो गया है। कृपया वहाँ से वो लोग बोल रहे कि आप अपने गांव चले जाओ। अपने वहाँ महाराष्ट्र वाले लोग वहाँ से सीधा सबको भगा रहे हैं। कल पुणे में भी पलायन की तस्वीरें दिखी थी, वहाँ से भी घर लौटने का सिलसिला शुरू होता दिख रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में कोरोना की सबसे भयावह तस्वीर महाराष्ट्र की है। 8 अप्रैल को देश में कोरोना के कुल 131,968 केस आए। 8 अप्रैल को महाराष्ट्र में नए केस का आंकड़ा 56,286 रहा। 8 अप्रैल को देश में कोरोना से 780 लोगों की जान गई। 8 अप्रैल को महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का आंकड़ा 376 रहा। इन आंकड़ों को देखकर कौन नहीं घबरा जाएगा, किसका कलेजा नहीं कांप जाएगा। देश भर में कुल केस का करीब आधा महाराष्ट्र से आ रहा है। मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, नासिक में हालात बेकाबू हैं। रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल सब बंद है। नाइट कर्फ्यू जारी है। संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा सर पर मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कहना पड़ा कि हालात काबू में नहीं आए तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इससे इनकार कर रहे हैं। लेकिन आज जो स्थिति, आज जब हमारे पास सब संसाधन है तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। जब आपके इर्द गिर्द नाउमीदी का अंधेरा गिरने लगता है तो आपके कदम रोशनी की तरफ निकलते हैं। मुंबई में होते हुए भी जिनका मुंबई से सिर्फ अपनी रोजी रोटी से रिश्ता है उन्हें अपना घर बुलाने लगा है। हालात को जल्द से जल्द काबू में करने की जरूरत है। मुंबई से मुस्तफा शेख, एजाज खान के साथ विद्या, आज तक।